हेलो एवरीबॉडी, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं कुणाल, अभी ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में भी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक सर्किट डायग्राम टाइप से आपको दिख रहा है जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के का दिया हुआ है, ठीक है? अब उसमें आप देखिएगा कि कुछ इक्विपमेंट यूज किया हुआ है जो कि उसके बारे में इक्विपमेंट यूज किया हुआ है जिसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे सप्लाई अरेंजमेंट इक्विपमेंट करके या एसी सप्लाई इक्विपमेंट के लिए फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में, एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा होता है, ठीक है? अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि बेसिक आपका कि कैसे कैसे आपका इक्विपमेंट वर्क कर रहा है आपके ट्रैक्शन को ऑपरेट करने में, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये कैटनरी हो गया, ठीक है? इसमें क्या रहेगा, एसी सप्लाई रहेगा। कैटनरी किसको बोलते हैं? कैटनरी वो होता है जो आप कभी देखे होंगे जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे या आप ट्रैक के पास से गुजरते होंगे तो उसके ऊपर से एक ओवरहेड कंडक्टर जाता है, ठीक है? जिसको कि आप ओवरहेड कंडक्टर भी बोल सकते हो या कैटनरी वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसे कैटनरी, उसमें जो होता है 25 किलो वोल्ट एसी रहता है, ठीक? वहाँ से हमें कलेक्ट करना रहता है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये वाला आपका पेंटोग्राफ हो गया। हालांकि ये कंप्लीट पोर्शन जो होगा आपका, ये जो आपका है कंप्लीट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है? इसमें यहाँ पे जो होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहता है, ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जब आपका ट्रैक्शन मतलब जो इंजन है वो अगर मूव करेगा तो क्या करेगा, ये वाला जो रहेगा वो आपको स्लाइड करेगा, ठीक? स्लाइड करते समय मतलब स्लाइड क्यों करेगा, और यहाँ पे जो होगा फ्रिक्शन कम रहेगा। अगर मान लीजिए इंजन बढ़ रहा है और ये स्लाइड नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हमारा या तो ओवरहेड कंडक्टर या फिर पेंटोग्राफ डैमेज हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या करता है कि ये जो हमारा ओवरहेड कंडक्टर है ये तो फिक्स रहता है, लेकिन ये जो पेंटोग्राफ है ये हमारा क्या करता है, स्लाइड करते रहता है। और यही पेंटोग्राफ हमारा करंट को कलेक्ट करता है और ट्रैक इंजन जो रहता है हमारा वहाँ तक सप्लाई को पहुँचाता है, ठीक है? अब देखिए, ये आपका जो अरेंजमेंट यूज किया हुआ है पेंटोग्राफ के लिए यूज किया हुआ, जब हम लोग पेंटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे पेंटोग्राफ आपका वर्क करता है, कैसे इसमें फंक्शन होगा, ठीक है? क्या इक्विपमेंट और यूज होते हैं इसमें, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, इस पेंटोग्राफ को ड्राइवर जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मोटर रिक्वायरमेंट। अगर जो ट्रैक्शन मोटर हमारा यूज होता है, जो कि यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा ट्रैक्शन मोटर ये जो यूज होता है, इसके हिसाब से हमारा पेंटोग्राफ जो है उसको नीचे किया जा सकता है या फिर ऊपर किया जा सकता है, ठीक है? अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है कि किसी तरह का फॉल्ट अगर इंजन साइड में होता है तो ये सर्किट ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो भी इक्विपमेंट होगा वो सेफ रहेगा, ठीक? अब नेक्स्ट में देखिए, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है सर। यहाँ से आपको 25 किलो वोल्ट आपका क्या मिलता है, एसी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारा और कम वोल्टेज का आवश्यकता होता है, ठीक? तो यहाँ जो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसके प्राइमरी में हाई वोल्टेज रहेगा और सेकेंडरी में लो वोल्टेज रहेगा। ये ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, इसमें ऑन लोड टैप चेंजर लगा हुआ होता है, ठीक? ऑन लोड टैप चेंजर क्या करता है कि जब हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में भी रहेगा तो ये वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है? कंट्रोल कर सकते हैं इंजन से ही। और ये जो टैप चेंजर हमारा यूज होता है मोटर को के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी बाय फाई होता है, ठीक है? अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो एन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है आपका? अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो एन भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक हो गया? ये होगा। तो ये वोल्टेज आपका क्या करता है, टैप चेंजर जो रहता है वोल्टेज सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हमारा ट्रैक्शन तक जो मोटर वोल्टेज पहुंचेगा वो भी हमारा कंट्रोल में रहता है। अब देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे जो मोटर यूज करते हैं वो डीसी सीरीज मोटर होता है, इसका मतलब है कि मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी की आवश्यकता है। अब डीसी कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आप एसी ऑब्टेन किए हैं ट्रांसफार्मर से, वो हमारा रेक्टिफायर में दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज करेंगे, आप कह सकते हैं सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर यूज करते हैं। इस रेक्टिफायर का काम क्या होगा,
एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में, ठीक है, एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में, ठीक। अब ये डीसी यहाँ जो होगा वो आपका प्योर डीसी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कुछ रिपल मौजूद रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल्टरिंग्स या स्मूथिंग चोक यूज करते हैं, आप कह सकते हैं, या फिल्टरिंग सर्किट भी यूज करते हैं, किसके लिए, जो डीसी रिपल रहता है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका प्योर डीसी मिलेगा, जो आउटपुट में मिलेगा फिल्टरिंग के सर्किट के बाद जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, वो आपका प्योर डीसी मिलेगा। और इस डीसी को आप क्या करोगे, मोटर पे अप्लाई करोगे। जैसे ही मोटर पे अप्लाई करोगे, मोटर हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी देगा, और फिर हमारा जो ये व्हील बना हुआ है सर, ये व्हील आपका ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से हमारा पूरा इंजन मूवमेंट में आ जाएगा और मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कह सकते हैं कि इसका वर्किंग फंक्शन और इक्विपमेंट के बारे में दिया हुआ है, जो कि यूज होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ठीक है, एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होता है, ठीक। इसका एक और सर्किट आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सर, ठीक है, इसमें क्या होता है सर कि सेम है आपका, देखिए ये आपका क्या हो गया कैटनरी वायर, ये आपका क्या हो गया पेंटोग्राफ, ये पूरा सेट हो गया पेंटोग्राफ का, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर यूज होगा, ये कंप्लीट सेट जो है आपका पेंटोग्राफ के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर यूज होगा, ये तीन, ये जो है आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक, समझ रहे हैं इस बात को, ये सर्किट ब्रेकर हो गया यहाँ पे। अब उसके आगे बढ़िएगा तो ये देखिए आपका ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें ऑन लोड टैप चेंजर लगा हुआ है। अच्छा, ऑन लोड टैप चेंजर आपका हाई वोल्टेज साइड में लगा हुआ होता है, ठीक। अब ये इसको ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, रेक्टिफाइंग सर्किट हो गया, जो कि एसी इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट कर देगा डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में, क्लियर है। अब देखिए, ये जो आपका रेक्टिफाइंग सर्किट का जो आउटपुट होगा वो प्योर डीसी नहीं होगा, ये डीसी को क्या करेगा, यहाँ पे फिल्टरिंग सर्किट पे अप्लाई करिएगा, या चोक सर्किट भी आप बोल सकते हैं, या स्मूथिंग चोक भी बोल सकते हैं, जहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो भी रिपल मौजूद होगा हमारा, वो रिपल आपका क्या होगा, उस फिल्टरिंग सर्किट उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो आउटपुट में प्योर डीसी ऑब्टेंड होगा, उस डीसी को आप क्या करेंगे, डीसी मोटर पे अप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे ही आप डीसी मोटर पे अप्लाई करेंगे, मोटर का आउटपुट जो होगा मैकेनिकल में होगा, और वो मैकेनिकल आपका व्हील पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और व्हील आपका क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे ये सब के बारे में पढ़े होंगे, रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिल्टरिंग सर्किट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे, पेंटोग्राफ, यहाँ पे फिर देखिए सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़े होंगे। तो मैं ये सारे इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, इक्विपमेंट जब आपका सबट्रैक्शन इक्विपमेंट आएगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे और देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका कुछ है ट्रैक्शन, देखिए ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसमें कि आप देखिए ये आपका पेंटोग्राफ लगा हुआ है, ये आपका जो है कैटनरी वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये भी आपका सप्लाई अरेंजमेंट है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे सर आगे, ठीक है। तो ये पेंटोग्राफ से हमारा क्या करेगा, करंट को कलेक्ट करेगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट सेटअप आपका क्या है, पेंटोग्राफ का ही है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज किया हुआ होगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम, जो ये जो फोटो आपको पिक दिख रहा है, वो आपका एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का है, ठीक। उसके आगे देखिए, ये आपको पेंटोग्राफ दिख रहा होगा सर, ठीक है, पेंटोग्राफ का पूरा सेटअप है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कैटनरी वायर से किस तरह से यहाँ पे आपका क्या है, ये कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये पेंटोग्राफ, ये पेंटोग्राफ ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक। कहाँ से किया जाएगा, ये इंजन से किया जाएगा, जो आपके लोको पायलट होते हैं वो आपके इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखिए एक और आपको फोटो दिख रहा है आपका, जो कि आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ही है, इसमें भी आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, पेंटोग्राफ हो गया, यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा कहीं पे, ठीक है, जो कि अब इसको जो है कंट्रोल किया जाएगा, जो लोको पायलट होंगे वहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आपको फोटो पिक से भी आप समझ सकते हैं, और आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी बताया गया है, और इसके बारे में आगे और भी हम थ्योरी पार्ट देखते हैं सर, जिसमें कि आपको मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का दोनों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का जो होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन वाइज कौन सारा सारा इक्विपमेंट, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, उसके बारे में देखेंगे, और एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये कैटनरी
ठीक है, कैटनरी क्या होता है उस चीज़ को समझिएगा। आप कभी देखे होंगे, जब आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे या कभी ट्रैक के ऊपर देखे होंगे कि बहुत सारा कंडक्टर आपका गया हुआ होता है सर, ठीक है, बहुत सारा कंडक्टर आपका गया हुआ होता है। तो ये कंडक्टर जो होता है, और इसी से आपका ये स्लाइड जो आपका रहता है, पेंटोग्राफ कहते हैं, कनेक्ट रहता है आपके इंजन के ऊपर, ठीक, कुछ इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाता है सर, कैटनरी वायर भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको आप कह सकते हैं ओवरहेड कंडक्टर, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, कैटनरी। अब मैं बात कर रहा हूँ पेंटोग्राफ, ये आपका क्या हो गया, इंजन जो होता है उसके ऊपर पे आपका कुछ ये बॉल शेप का बना हुआ होता है सर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए जल्दी से, पेंटोग्राफ बोलते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, पेंटोग्राफ, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एयर सर्किट ब्रेकर, यहीं पे आपका कहीं पे एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रहेगा इंजन के ऊपर में, ठीक है, वो क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर याद दीजिएगा, यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे ऑन लोड टैप चेंजर यूज होता है, ठीक है। देखिए टैप चेंजर भी आपका दो टाइप का होता है, अगर आप मशीन पढ़े होंगे या ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, दो टाइप ट्रांसफार्मर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन टैप चेंजर जो होता है उसमें लगा हुआ होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑन लोड टैप चेंजर और एक ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है। तो जो ऑन लोड टैप चेंजर होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, और ऑफ लोड टैप चेंजर के बारे में आप लिख के मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा ऑफ लोड टैप चेंजर पे और मुझे आप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक। तो बताया हुआ चीज़ है, अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो दोनों के बारे में मालूम होगा कि ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है और ऑफ लोड टैप चेंजर क्या होता है, ठीक। मैं अभी ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, बट ऑफ लोड के बारे में आपको जानकारी है, आप टेक्स्ट कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं फिर बताऊँगा भाई, ठीक है। तो देखिए ऑन लोड टैप चेंजर में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें टैप चेंजर लगा हुआ होता है, ठीक, टैप चेंजर लगा हुआ होता है। तो ऑन लोड टैप चेंजर में जब आपको टैप को चेंज करना होता है या वोल्टेज लेवल को घटाना होगा, समझ रहे हैं बात को, तो हमें ट्रांसफार्मर को ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्किंग कंडीशन में भी आप टैप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वैसा टैप चेंजर को क्या बोल रहे हैं हम, ऑन लोड टैप चेंजर, क्लियर है ये, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑन लोड टैप चेंजर जो है उसमें जब आपको टैप चेंज करने की आवश्यकता होगी तो वर्किंग कंडीशन में भी आप टैप को चेंज कर सकते हैं, मतलब जब ट्रांसफार्मर लोडिंग कंडीशन में है, आप लोड दिए हुए हैं उस ट्रांसफार्मर से, उस कंडीशन में भी आप टैप चेंजर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन लोड टैप चेंजर, और टैप चेंजर क्या करेगा, करंट को कलेक्ट करेगा और ट्रांसफार्मर के पास, हाँ यहाँ पे टैप चेंजर का काम करंट कलेक्ट नहीं करेगा, कलेक्ट आपका कौन करेगा, पेंटोग्राफ, ठीक है। तो ये टैप चेंजर क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा आप कह सकते हैं, जिस या वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, जिसके सहारे हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, क्लियर यहाँ पे। अब एक आता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, होप सो यू आर नोन अबाउट दिस, आपको मालूम होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये हमारा वोल्टेज लेवल को क्या करेगा, डाउन कर देगा, जो भी हाई वोल्टेज हम ले रहे हैं, ठीक, उस वोल्टेज को क्या करेगा, ये डाउन करेगा, मतलब उसके लेवल को घटा देगा। अब आता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आपका क्या है, आप पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, क्लियर। अब आपका एक होता है फिल्टरिंग सर्किट, ठीक है, क्या यूज होता है, फिल्टरिंग सर्किट। फिल्टरिंग सर्किट क्या करेगा सर, जो आपने डीसी ऑब्टेंड किया है रेक्टिफायर में उसमें कुछ रिपल्स रह जाता है, ठीक है, जो वही रिपल्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टरिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमें प्योर डीसी मिलता है, किसी तरह का कोई रिपल उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टरिंग सर्किट को यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट कौन सा होगा, ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। ट्रैक्शन मोटर क्या करेगा, इसको ट्रैक्शन मोटर में आप डीसी दीजिएगा, ट्रैक्शन मोटर में कौन सा, डीसी मोटर यूज होता है सर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो डीसी मोटर यूज होता है, तो डीसी आपको एनर्जी मिल जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगा वो डीसी मिलेगा, उसके सहारे आप डीसी मोटर पे अप्लाई करेंगे और मोटर क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है आपके व्हील्स पे अप्लाई होगा और आपका ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा और चलना आरंभ कर देगा, ठीक है। अब एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं सर, आइए देखते हैं हम कैटनरी के बारे में, ठीक है,
कंस्ट्रक्शन का पार्ट मैंने लिखा था कि कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है कंस्ट्रक्शन में या इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में, उसको एक एक करके हम लोग डील करते हैं सर, ठीक है। तो पहला आपका क्या था, कैटनरी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एन ओवरहेड वायर ऑफ स्पेशल क्रॉस सेक्शन। अलग अलग एरिया की बात कर रहे सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, इसके लिए अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिज़ाइन किया जाता है सर, ठीक है। स्पेशल क्रॉस सेक्शन विच इज मेड अप ऑफ कैडमियम कॉपर या फिर हार्ड ड्रॉन कॉपर भी रहता है, ग्रूव्ड, ठीक है, ये ग्रूव्ड किया हुआ होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या हो गया सर, ओवरहेड वायर क्या है, एक स्पेशल क्रॉस सेक्शन का रहता है बना हुआ, जो कि कैडमियम कॉपर या फिर हार्ड ड्रॉन कॉपर का यूज किया जाता है, और वो कंडक्टर जो होता है ग्रूविंग किया होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये अगर क्रॉस सेक्शनल की बात करेंगे तो अगर आप कॉपर का यूज करेंगे, ठीक है, अगर आप कॉपर का यूज करेंगे तो वहाँ पे जो होगा 40 mm square, नोट कर लीजिए इसको, 40 mm square का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज होगा अगर आप कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं तो। यही चीज़ अगर आप ACSR का यूज करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 400 mm square, ठीक है, कितना, 400 mm square का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगर DC कैटनरी वायर का यूज करेंगे तो अलग अलग रेंज का यूज होता है सर, 323 mm का यूज होता है या 129 mm square का यूज होता है, तो अलग अलग होता है। आपके लिए एक सवाल है सर, आप ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपका होप्सो क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, द कैटनरी इज सप्लाइड ऑफ 25 kV AC 50 Hz AC सप्लाई, ठीक है, 50 Hz AC सप्लाई, ठीक है। ये जो आपका कैटनरी जो सप्लाई किया जाता है, जो आपका कंडक्टर रहता है कैटनरी वायर में, उसमें कितना सप्लाई रहेगा उसकी बात किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है कि जो ट्रैक्शन सिस्टम में सप्लाई यूज होता है कितना यूज होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 25 kV AC, ठीक है, 25 kV AC एट 50 Hz दिया हुआ है, हालांकि ये फ्रिक्वेंसी जो है चेंज भी होता है, ठीक, AC सप्लाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, हाई वोल्टेज इज टैप्ड फ्रॉम कैटनरी बाय पेंटोग्राफ, ठीक है, जो पेंटोग्राफ होता है वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को टैप करेगा, आप कह सकते हैं, या जो इंजन में करंट मिलता है या वोल्टेज जो रिसीव करता है वो कहाँ से करता है, कैटनरी वायर से, किसके द्वारा, तो पेंटोग्राफ के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग सर पेंटोग्राफ के बारे में, ये आपका पेंटोग्राफ है, इसको लिंक कर लेते हैं सर हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, पेंटोग्राफ, ये क्या है, आपको मैंने बताया था सर कि इंजन जो होता है उसके ऊपर आपका एक बॉल शेप का बना हुआ होता है सर, ठीक है, ये, तो ये आपका क्या हो गया, पेंटोग्राफ, ठीक है। देखिए, दिस इज ए डिवाइस, यह क्या है, एक डिवाइस है विच इज यूज फॉर कलेक्टिंग द करंट, विच इज यूज फॉर कलेक्टिंग करंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये करंट कम नहीं है सर, बहुत ज़्यादा है, 2000 से 3000 एम्पियर का है। सेकेंडरी कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में हाई करंट होता है सर, तो उस वजह से यहाँ पे देखिए आपका करंट भी क्या है, हाई फ्रॉम द कैटनरी, ठीक है। तो कैटनरी से क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है, ये काम किसका हो जाता है सर, पेंटोग्राफ का। आगे देखते हैं, पेंटोग्राफ इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द रूफ ऑफ व्हीकल, जो आपका इंजन है उसके छत के ऊपर या उसके रूफ के ऊपर आपका जो कैटनरी होता है वो माउंट किया हुआ रहता है, एंड कैरीड ए स्लाइडिंग शू फॉर कॉन्टैक्ट विथ दी ओवरहेड वायर, जो आपका ये जो है इसी को हम शू बोल रहे हैं सर, ठीक है। पेंटोग्राफ के ऊपर में एक स्लाइडिंग शूज टाइप से बना हुआ रहता है सर, इसी पे, ताकि ईजिली आपका जो है स्लाइड कर सके, फ्रिक्शन लेस रहता है सर, आपका मतलब बहुत ही कम फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे आपका, क्लियर है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ वही चीज कह रहा है सर, किस क्या बोल रहा है, ओवरहेड वायर, ठीक। ये शूज की बात करते हैं, शू फॉर कॉन्टैक्ट विथ ओवरहेड वायर, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं सर, द पेंटोग्राफ इज राइज्ड और लोअर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फ्रॉम द ड्राइवर केबिन बाय एयर प्रेशर, ठीक। जब हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे सर, तो वहाँ पे मैं इस पेंटोग्राफ के वर्किंग के बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पेंटोग्राफ को क्या करेंगे हम लोग,
राइज कर सकते हैं, मतलब ऊपर उठा सकते हैं और फिर उसको डाउन कर सकते हैं। और ये काम कर कौन सकता है सर? ड्राइवर। ठीक है, कौन करेगा? जो ड्राइवर आपका जो लोको पायलट होता है इंजन में, वो कर सकता है। ठीक, तो जब उसको ज़रूरत होगा, जब अपने इंजन को ज़रूरत होगा, वो इंजन के ज़रूरत के हिसाब से पेंटोग्राफ को राइज अप करेगा या राइज डाउन करेगा, किसके सहारे? एयर प्रेशर के सहारे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं सर, आपका एक और इक्विपमेंट होता है, देखिए अब हम सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम लाइन साइड इन केस ऑफ सम फॉल्ट अकर्स इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन द इंजन। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंजन को डिस्कनेक्ट कर देता है अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है इंजन के साइड में। ठीक है, किसी तरह का फॉल्ट होता है अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन द इंजन साइड, कि जो भी आपका इंजन है उसके साइड में अगर किसी तरह का फॉल्ट हुआ तो एयर सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करेगा? ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका कैटनरी है, लाइन है, अगर वहाँ हाई वोल्टेज होता है, अगर करंट ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हैवी कह सकते हैं, ओवर कह सकते हैं, अगर ओवर वोल्टेज हो गया या हैवी करंट हो गया, तो उस केस में भी हमारा मेन सर्किट ब्रेकर जो हमारा रहेगा वो क्या करेगा? ट्रिप करेगा और इक्विपमेंट को सेफ रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सर, ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजर ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, इस चीज़ को देखते हैं सर। इट इज यूज फॉर वेरिंग द आउटपुट वोल्टेज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोटर। इसका यूज क्या होता है? ये आउटपुट वोल्टेज को वेरी करता है। बताए भी थे आपको सर कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंडरी के साइड में जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उसके सेकेंडरी के साइड में जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि इट इज़ यूज फॉर वेरिंग दी आउटपुट वोल्टेज फॉर कंट्रोलिंग दी स्पीड ऑफ मोटर। मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपका जो है टैप चेंजर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सर, ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता था सर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देख लीजिए, ए टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड इन दी लोकोमोटिव फॉर स्टेपिंग डाउन दी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर को जितना रिक्वायरमेंट होगा वोल्टेज का, उस हिसाब से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेक्टिफायर क्या करता है सर? जो एसी वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि हमें तो डीसी मोटर को ऑपरेट करना है, क्योंकि ट्रैक्शन में हम लोग डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो डीसी ऑब्टेंड करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर जो होता है डिवाइस होता है जो कि एसी पावर को कन्वर्ट कर देता है डीसी पावर में। सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी पावर इनटू डीसी पावर। तो यहाँ पे जो है सेमी कन्वर्टर रेक्टिफायर यूज किया जाता है एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं फिल्टरिंग सर्किट के बारे में। ठीक है, फिल्टरिंग सर्किट कहाँ लगा रहेगा? रेक्टिफायर के बाद आपका फिल्टरिंग सर्किट लगा हुआ रहेगा। फिल्टरिंग सर्किट का काम क्या होता है? जो भी आपने डीसी आउटपुट ऑब्टेंड किया है, अगर उसमें किसी तरह का कोई रिपल है तो उसको दूर कर दें। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, या रेक्टिफाइंग जो आउटपुट होगा उसमें से रिपल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्टरिंग सर्किट का यूज करते हैं। देख लीजिए, एनी रिपल फाउंड ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द रेक्टिफायर आर इलिमिनेटेड बाय फिल्टरिंग सर्किट आफ्टर द रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के बाद में हम लोग फिल्टरिंग सर्किट लगाते हैं किसी तरह के रिपल को दूर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा ऐसा सर कि रेक्टिफायर होता क्या है, उसका आप वर्किंग फंक्शन नहीं बता रहे हैं, कुछ इस तरह से आप कह रहे हैं, या ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर का वर्किंग फंक्शन नहीं बता रहे हैं। तो सर ये सब आपका इक्विपमेंट जो है पढ़ा हुआ है सर, आपने फिल्टरिंग सर्किट के बारे में भी पढ़ा होगा, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा होगा, सर्किट ब्रेकर के बारे में नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे अभी स्विच गियर प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है,
अगर मैं इक्विपमेंट के बारे में बताना शुरू करूंगा सर, तो पता चलेगा यही सब इक्विपमेंट बताते बताते आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो चुका होगा, ठीक है। फिर ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे कुछ, ठीक। तो आप लोग को जितना बता रहे हैं उस चीज़ को सुनिएगा। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होगा कि नहीं इस चीज़ ये चीज़ जो है ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है या ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में है, इसको बताना अनिवार्य है, तो वो मैं खुद बताते चलूँगा। अब मैं आपको रेक्टिफायर बताना शुरू करूँगा, तो इसका मतलब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ले चलूँगा, फिर सेमीकंडक्टर डायोड बताऊँगा, फिर उसका सर्किट बनाएंगे कितने टाइप का होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वो अभी आसान नहीं होगा अपने लिए, ठीक। तो आगे देखते हैं सर, ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। जब आप पढ़िएगा ट्रैक्शन मोटर के बारे में, तो वहाँ भी पता चलेगा मोटर क्या होता है। ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा सर, ठीक। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इतना मैं आपको अभी फिलहाल के लिए ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ मोटर अट्रैक्शन मोटर्स आर इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ लोकोमोटिव। तो एक मोटर से तो हमारा काम नहीं बनेगा सर, तो बहुत सारा मोटर क्या होता है, जितना पावर का ज़रूरत होता है लोकोमोटिव में, उस हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ मोटर को यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डीसी मोटर जो होता है ट्रैक्शन में, वो कौन सा डीसी मोटर आपका ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डीसी सीरीज मोटर। क्यों? तो ये स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होता है, हाई। और मैंने आपको बताया होगा कि ट्रैक्शन के लिए स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, द डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द मोटर रिजल्टिंग रोटेशन ऑफ व्हील इज ऑब्टेंड। जैसे ही आपका डीसी वोल्टेज ऑब्टेंड होता है, कहाँ से, फिल्टरिंग सर्किट के बाद जो मिलेगा, वो डीसी वोल्टेज को आप क्या करोगे, मोटर पे अप्लाई करोगे, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक रोटेशनल एनर्जी मिलेगा जो कि आप व्हील पे अप्लाई करोगे, तो जिसके वजह से हमारा जो पूरा इंजन होगा मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं, ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन किए हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है, जो आपका इंजन होता है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कलेक्ट करता है इंजन, और व्हील्स पे आपका फोर्स अप्लाई करता है या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करता है, जिसके वजह से आपका इंजन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि आपका इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहेगा सर, ठीक है, एक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वो ट्रांसफार्मर रहेगा। फिर आपका कलेक्टर रहेगा, होप सो आपको मैंने बताया है, आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको डायग्राम भी दिखाया है, उसमें क्या सारे डायग्राम में क्या क्या इक्विपमेंट आपका यूज़ किया हुआ है उनके बारे में भी बताया है, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया है कि कंस्ट्रक्शन में क्या सारा इक्विपमेंट यूज हुआ है, जैसे कि आपका एयर सर्किट ब्रेकर यूज हुआ है, ठीक है। फिर आपका क्या ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, ठीक, उसके बाद रेक्टिफायर यूज हुआ है, फिर व्हील्स जो है आपका, उस पर आपका जो पिस्टन मोटर डीसी मोटर लगा हुआ है, उस डीसी मोटर के सहारे आपका व्हील्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक। पेंटोग्राफ लगा हुआ है सर, पेंटोग्राफ जो कि कलेक्टर होता है, ठीक। तो इन सब के चीज़ के बारे में मैंने आपको क्या किया है, बताया है, ठीक। तो अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्या, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, वो भी मैं आपको दिखाया हूँ ऑलरेडी, आप बैक वीडियो को बैक पीछे करके आप देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा, और समझने का कोशिश कीजिएगा उसको, नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो इसमें वही जो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है, उस चीज़ को हम लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के केस में एसी जो है, एसी, अब ध्यान दीजिएगा, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट हुआ, ठीक है। अब ट्रैक्शन सिस्टम में एसी जो होता है, थ्री फेज यूज नहीं होता है सर, जो ट्रैक्शन सिस्टम में सिंगल फेज एसी यूज होता है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, ये सिंगल फेज एसी इज कलेक्टेड फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर बाय मींस ऑफ पेंटोग्राफ माउंटेड ऑन लोकोमोटिव, ठीक। आप जो है डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम में आपका क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, एक छोटा सा मैं बताता हूँ, ये अगर आपका इंजन है सर, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपका एक पेंटोग्राफ बना हुआ होगा,
ठीक है, ये जो है आपका, ये हमारा क्या हो गया, पेंटोग्राफ, ठीक, जो कि आपका कंडक्टर में टच करता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो होगा आपका कुछ इस तरह से कंडक्टर होगा, कुछ इस तरह से आपका कंडक्टर, जिसको कि आप ओवरहेड कंडक्टर बोलते हो या कैटनरी वायर भी बोलते हैं इसको। सर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के इक्विपमेंट के बारे में या सप्लाई इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये कलेक्ट करता है करंट को और कैसे डायरेक्टली पहुंचा देता है आपके मोटर के पास में, ठीक है, उन सारे चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, कैटनरी वायर है, ठीक, और यहाँ से इसमें क्या होता है कि आपका वही एसी जो होता है सिंगल फेज आता है और ये एसी से हमारा ये क्या करता है, करंट को कलेक्ट कर लेता है। यही चीज़ मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी वही बात किया गया है सर कि हम लोग पेंटोग्राफ के द्वारा जो एसी रहता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक। अब ये पेंटोग्राफ माउंटेड कहाँ रहता है सर, तो इंजन के ऊपर रहता है, ठीक। आप भी देखे होंगे सर, जबकि जो आपका इंजन रहता है उसके इंजन के ऊपर पे देखिएगा सर, एक आपको बॉ टाइप से कुछ इस टाइप का आपको एक सिस्टम बना रहता है सर, जो कि आपका क्या कहलाता है, पेंटोग्राफ। और वो ये पेंटोग्राफ जो होता है राइज अप होता है और फिर डाउन होता है, मतलब ऊपर उठता है और नीचे होता है। जब आपको करंट का ज़रूरत होता है या वोल्टेज मतलब कंडक्टर में टच करना रहता है तो उसको आप राइज अप करते हैं, ठीक है, ऊपर करते हैं तो वो ऊपर हो जाता है, ठीक। ये सारा मैकेनिज्म इंजन के अंदर किया रहता है, बना हुआ रहता है सर, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे हाथ पकड़ के ऊपर करेंगे, ऐसा नहीं है सर। इंटरनली जो इंजन होता है, जो ड्राइवर होता है, उसके हाथ में ये सारा कंट्रोल रहता है और वो क्या करता है कि जो आपका कलेक्टर रहेगा उसको ऊपर नीचे वो करते रहता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया, फिर आगे ध्यान दीजिएगा। द पेंटोग्राफ, ये पेंटोग्राफ क्या होता है, कलेक्ट्स द करंट, करंट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा थ्रू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विथ दी ओवरहेड कंडक्टर, ठीक है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विथ दी ओवरहेड कंडक्टर का क्या मतलब हुआ कि अगर आप मान के चलते हैं कि ये पूरा आपका कंडक्टर है और यहाँ पे आप मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे आपका एक इंजन है, ठीक है, ये इंजन है और यहाँ पे आपका एक ये पेंटोग्राफ है जो कि इंजन से आपका कनेक्टेड है। अब यहाँ ये व्हील हो गया सर, अगर हमें पेंटोग्राफ में मतलब यहाँ पेंटोग्राफ जो जब इससे कनेक्ट रहेगा तो यहाँ से करंट हमारा क्या होगा, कलेक्ट होगा, करंट हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, अब मान लीजिए कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो अगर ये इंजन यहाँ पे आ गया मूव करके तो इसका मतलब ये भी तो स्लाइड करके कुछ यहाँ आ गया होगा, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिए हम लोग कंडक्टर के द्वारा। आप भी देखते होंगे जब जैसे जैसे इंजन आगे की ओर बढ़ते जाता है वैसे वैसे पेंटोग्राफ भी आपका उसके साथ साथ मूव करते रहता है और दोनों हमारा टच किया हुआ था कुछ इस तरह से। अगर ये कंडक्टर है और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सर, तो ये कुछ ऐसा मतलब ये कलेक्टर मैं बात करूँ पेंटोग्राफ का, तो ये कुछ इस तरह से आपका क्या करेगा, मूव करते रहेगा, क्लियर। ये कंडक्टर है, कुछ इस तरह से आपका क्या करेगा, मूव करते रहेगा, क्लियर। तो वो हो गया आपका, ठीक है, ओवरहेड कंडक्टर। अब एक देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द लोकोमोटिव विच डिसकनेक्ट्स द सप्लाई इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज। अब ध्यान दीजिए, आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए सर, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में पता होगा। सबसे पहले तो सर्किट ब्रेकर क्या है ये जान लीजिएगा, मालूम होगा, ठीक है, तो आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप जब कभी हमारे किसी सर्किट में फॉल्ट आता है या एबनॉर्मल कंडीशन उसको आप बोल सकते हैं, जब कभी हमारा सर्किट एबनॉर्मल कंडीशन में आता है सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रिप कर जाता है, क्लियर, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा तो जो भी इक्विपमेंट हमारा क्या रहेगा, वहाँ तक सप्लाई हमें पहुँच नहीं पाएगा या मिल नहीं पाएगा और फिर क्या होगा, जिसके वजह से टोटल इक्विपमेंट जो सारा इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारा इक्विपमेंट हमारा क्या होगा, सेव रह जाएगा, मतलब बच जाएगा, जलेगा नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो आपका कलेक्टर रहता है उसके ऊपर पे ही हमारा एक एयर सर्किट ब्रेकर रहता है सर, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो वो एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है, जब कभी ओवर वोल्टेज होगा तो वो क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो करंट कलेक्ट हो रहा था वो इंटरप्ट हो जाएगा सर, हमारा जो करंट आ रहा था इंजन तक वो करंट हमारा आ नहीं पाएगा, ठीक है, जिसके वजह से जो भी इक्विपमेंट होगा वो हमारा क्या रहेगा, सेव रहेगा, ठीक, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, होप सो। अब समझिएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ टैप चेंजर ऑन हैवी साइड ऑन एचवी साइड इज प्रोवाइडेड इन द लोकोमोटिव, ठीक है।
आपको ये भी पता होगा सर कि अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो अब आप हमको मैसेज कीजिएगा सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे ये बताइएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ध्यान से सुनिए, सवाल को सुनिएगा, और मुझे उम्मीद है कि जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सब के सब मैसेज करेंगे सर, सब के सब मुझे टेक्स्ट करेंगे कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, विद क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा और उसका आंसर भी आप करिएगा, ठीक है। कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका सेकेंडरी जो रहेगा, करंट आपका हाई रहेगा या लो रहेगा, ठीक है, वोल्टेज करंट, वोल्टेज जो रहेगा लो रहेगा या हाई रहेगा, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। आपके पास तीन सवाल सर, तीनों सवाल का आंसर मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है। तो जिन जो भी देख रहे हैं सर आप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं विथ टैप चेंजर, ठीक है, विथ टैप चेंजर ऑन एच वी साइड इज प्रोवाइडेड इन दी लोकोमोटिव। तो अब एक ध्यान दीजिएगा, अब एक ऑब्जेक्टिव ये भी है आपका, ठीक है, कि टैप चेंजर जो होता है कनेक्टेड होता है ट्रांसफार्मर के किस साइड, तो एच वी साइड कनेक्ट होता है, ठीक है, एच वी साइड ही हमारा कंस्ट्रक्शन वाइज कनेक्ट होता है और जो सेकेंडरी का वोल्टेज रहता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैप चेंजर आप यूज कर रहे हैं, इसका हेल्प कैसे होगा, इसका क्या यूज होगा, कि जब कभी हमारा वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज जो होगा ज़्यादा मिलेगा, जो आप वोल्टेज को कैटनरी वायर से कनेक्ट किए हुए हो उससे अगर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, तो इस स्टेप चेंजर के सहारे हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज अगर कम होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी में, वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक, और प्राइमरी में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके सहारे हम क्या करते हैं, जो हाँ ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे एच वी साइड में जो रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें एक टैप चेंजर लगा रहेगा वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपके लोकोमोटिव में लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने का क्या मतलब है, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आप डीसी मोटर पढ़े होंगे तो ध्यान रहा होगा सर आपको कि एन जो होता है या स्पीड जो होता है डीसी मोटर का वो क्या होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाय फाई। अगर एन घटेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, घटेगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि ई बी अगर घटेगा तो एन क्या होगा सर, घटेगा। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज कम होगा टैप चेंजर के सहारे तो हमारा स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। बट मैं बात कर रहा हूँ सर डीसी का, एसी का नहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ तो ट्रांसफार्मर से एसी मिलेगा, तो डीसी फिर कैसे, डीसी का बात कैसे कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है सर, ठीक। तो जो एसी मिल रहा है सर उसको हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं सर, ठीक है। एक रेक्टिफायर भी लगा होगा, डायग्राम देखिएगा, आपके पास डायग्राम पॉज करके आप पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, डायग्राम आपको दिया हुआ है और उसमें समझाया हुआ भी है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लियर। तो रेक्टिफायर से डीसी मिल जाता है और उस डीसी को हम लोग मोटर पे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, टैप चेंजर के सहारे हमारा क्या हुआ कि हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं सेकेंडरी साइड का, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, टैप चेंजर इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मीटर। अभी तुरंत मैंने बताया था कि जो टैप चेंजर होता है उसके सहारे आप मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे ये भी मैंने बताया था। आप देखिए, समझिए इस चीज़ को कि जो वोल्टेज आपको मिल रहा है, जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो मिल रहा है एसी, ठीक है। तो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहेगा वहाँ से आपको मिला, ये मिला आपका एसी, ठीक है। अब इसके बाद आप ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं सर, यहाँ से आपको फिर मिला एसी, उसके बाद आप एक रेक्टिफायर लगाए सर, यहाँ मिल गया क्या आपका सर डीसी, ठीक है। इस डीसी को हम लोग कहाँ लगा देते हैं सर, मोटर पे। यही तो था आपका डायग्राम में, यही तो डायग्राम बना हुआ था सर आपका, ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से अगर समझे तो यही तो डायग्राम था आपका। मोटर पे हमारा क्या मतलब, इनपुट जो होगा क्या डीसी। अब मोटर का काम क्या है सर, मैकेनिकल को कन्वर्ट कर देना किस में, इलेक्ट्रिकल में, सॉरी इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर देगा किस में, मोटर में, माफ कीजिएगा। तो यहाँ डीसी जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल में, मतलब रोटेशनल एनर्जी का ज़रूरत है हमको, किस लिए भाई, तो वाई जो व्हील होगा उसको रोटेट करने के लिए, भाई रोटेशनल एनर्जी मिलेगा तभी तो हमारा व्हील रोटेट करेगा, ठीक है। तो उसी को तो हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये जो डीसी होगा
ये हमारा मोटर में देगा और मोटर का आउटपुट जो होगा ये व्हील पर लगा रहेगा और इसके वजह से हमारा व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर, अगर यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगा तो बताइए यहाँ पे भी तो हमारा रेक्टिफाई करके डीसी को कम ही देगा। अगर ये कम डीसी देता है तो यहाँ डीसी का जो डीसी हमारा यहाँ पे, इसका भी तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, कम होगा। चलिए, अगर यहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो हम कम ही वोल्टेज मोटर पे तो अप्लाई कर रहे हैं। अब मोटर पे अगर कम वोल्टेज अप्लाई हुआ तो जस्ट आप देख सकते हैं एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाइव। ठीक है, अगर ई बी आपका कम हुआ तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो स्पीड बताइए घटा कि नहीं, तो वोल्टेज अगर घटा तो स्पीड भी क्या हुआ, घटा। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन स्पीड बढ़ने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है क्योंकि आप क्या किए हैं, एयर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया। अगर ओवर वोल्टेज होगा तब मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ेगा घटेगा एक पर्टिकुलर लेवल तक तो बढ़ेगा सर, जितना उसका कैपेसिटी होगा वहाँ तक तो स्पीड बढ़ेगा भी और वहाँ तक घटेगा भी। मतलब घटने का तो आपको स्पीड घटेगा तभी जाके ट्रेन रुकेगी। ठीक है, तो बढ़ने की अगर बात किया जाए तो एक पर्टिकुलर लेवल तक कह सकते हैं कि वहाँ तक आपको बढ़ेगा स्पीड, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि ओवर वोल्टेज हुआ तो पूरा स्पीड बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पे भी वही बात हुआ, वोल्टेज घटने से क्या हुआ, स्पीड हमारा घट गया। तो ये चीज़ आपको होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। टैप चेंजर हमारा क्यों यूज़ किया जाता है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, कैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रैक्शन मोटर इज डीसी, ट्रैक्शन मोटर इज डीसी। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ट्रैक्शन सिस्टम में जो आपका मोटर यूज होता है एसी यूज होता है या डीसी, तो क्लियरली कौन सा मोटर यूज होता है, डीसी। एक सवाल आपके मन में हर हमेशा आता रहेगा, सर लेते हैं एसी और चलाते हैं मोटर हम डीसी कैसे, ये भी आप देखिएगा। आपको जस्ट आप वीडियो पॉज करके पीछे कीजिए और वहाँ पे मैंने आपको सर्किट डायग्राम में भी बताया है और एक्सप्लेन भी किया है उस चीज़ को। ठीक है, कि आप मोटर आप डीसी को कैसे यूज कर रही है, अभी मैंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया है सर यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया डीसी। सो द डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड थ्रू रेक्टिफायर। अब ये जो डीसी सप्लाई है हमको रेक्टिफायर के सहारे मिल रहा है, कहाँ, मोटर पे। ठीक है, तो आपका ये जनरली होगा। अब यहाँ से जो डीसी मिला वो मोटर पे अप्लाई किए हैं, क्लियर। तो ये आपका नॉर्मल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है,